क्या चमत्कार है? यो चमत्कार नहीं है प्रिय, या तो एक भगत की आपके भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। स्वामी, यो भक्त कौन है? नरसी। फिर देखना ही चाहो हो तो आओ, वो देखो। स्वामी, एक बात तो बताओ। पूछो प्रिय। ई बखत पृथ्वी पर इसो कौन सा भगत है जीको थानी सबसे ज्यादा प्यारो है? रुक्मणी, थे पूछो ही हो तो बताना ही पड़सी। मारे सबसे ज्यादा प्यारे भगत को नाम है नरसी। हे नाथ, काम क्रोध लोभ मोह और माया से दूर रहनियो, इसो थारो कौन सा भगत है? बीको नाम भी नरसी है। और थारे नाम पर सब कुछ त्याग देवे ईसो कौन सो भगत है? प्रिय, बीको नाम भी नरसी है। एक आदमी में इतना गुण माननी में कौन नहीं आवे? रुक्मणी, थे मेरे भगत की भक्ति पर शंका करो हो? आ, शंका की बात नहीं है स्वामी। मैं तो देखना चाहूँ हूँ कि ये कलयुग में पृथ्वी पर ईसो कौन सो थारो भगत है जी की पिथारी इतनी श्रद्धा है। ठीक है, थे देखना ही चाहो हो तो देख लियो, पण बी की परीक्षा थारे खातिर को नहीं होवेगी, दुनिया की खातिर होवेगी, ताकि दुनिया जान जावे कि भक्ति में कितनी शक्ति है। ब्रह्मानंद हारे गए हो, हाल तने आयो कोनी के? संजय ने आरसी जी, जद आ जावे तो तू जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा लाट परिने हट। बोल भाई, तने के दुख है? मैं भिखारी हूँ, जगत के जंजाल में फंसकर मेरो सब कुछ लुटा चुके हो, और अब भूखो प्यासो दर दर भटक रहे हो सेठ। भटक मत भाई, भटकने से सही रास्तो नहीं मिले, प्रभु की शरण में जा, वो सवरियों सबका बेड़ा पार करे, तेरी पुकार भी जरूर सुनेगो। वाह सेठ जी वाह, बहुत ज्ञान की बात सूझ रही है थाने, पण सेठा भूखे पेट भजन भी को नहीं हुए हैं। थारो पेट भरियोड़ो है ने, इलिए थाने भगवान की रब भजन की बात सूझ रही है। भक्ता, तू कहनो के चावे है? मेरे कहने को मतलब यो ही है कि थारे कन्ने धन है, और थे धन के जोर पर दान पुण्य करके थारे भक्ति को ढोंग रचो हो। अरे सेठा, मेरी तरह पक्कड़ बनकर फिर भगवान की भक्ति करके दिखाओ, जना मैं जानू कि थे कितना बड़ा भगत हो। अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। भाई, तू तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, तू मने सच्चो रास्तो दिखायो है। अरे तू तो भगवान को भेजोड़ो दूत है। अब या माया, यो धन, यो वैभव मेरे कोई काम को कोनी। मुनीम जी, आपनो सगड़ो धन दान करने की व्यवस्था करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
बोल बेटी, तने के चाहे आज सब कुछ तेरे सामने पड़े हो, सोनो चांदी हीरा मोती, बोल तने के चाहे। नहीं बापूजी, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बेटी, मैं तने कोई चीज दान में थोड़ी दे रहे हो, समझ ले कि एक पिता आपकी बेटी ने आपकी खुशी से दे रहे हो। नहीं बापूजी, तू नहीं लेवेगी तो मेरी आत्मा ने दुख होवेगा। ई घर में जिकी भी चीज तने सबसे ज्यादा प्यारी लागे, भाई चीज मांग ले। भगवान तेरे साथ है, प्रभु की भक्ति कर और सदा सुखी रह। बम बोले नाथ, नरसी जी बहुत दान पुण्य कर रहा, लिया माने भी क्यों दे दियो। बोलो भक्ता, थाने के चाहे। या हवेली, थाने जैसा भक्ता कने अभी को के का। साची कहो थे, सांसारिक चीजा को अब मेरे कने के काम। मेरे कने भी आए हवेली बची है, आज से हवेली थारी। बापूजी, मैं सब कुछ जान चुके हूं। बेटा, मैं माया के बंधन से मुक्त हो गया हूं, अब मैं एकाग्रचित होकर भगवान को सुमिरन कर सकूंगा। आज जीवन पथ पर मैं तने अकेले ने छोड़कर जा रहे हूं। नहीं बाबूजी, मैं अकेले कटे हूं, मैं भी तो तारे सा गई हूं। देख बेटा, मेरो मार्ग तो वैराग्य को है और थारे सामने तो पूरी उम्र पड़ी है। बाबूजी, थारो रस्तो ही अब मेरो रस्तो है, थे मेरा तीरथ, थे मेरो धर्म हो। सेवा से बढ़कर और दूसरा सत्कर्म को नहीं हो सके। ब्रह्मानंद, मैं तेरो पिता हूं, इको मतलब यो को नहीं कि तू मेरे लिए बैरागी हो जावे। नहीं बापूजी, मैं बैरागी नहीं, मैं तो थारो अनुरागी हूं। मेरी आत्मा में मेरे लिए मेरा पिता ही परमात्मा समान है। मन ने थारे सागे रहने की आज्ञा दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे।
तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ए पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई पट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे भण नर सैयो तेनु दर्शन करता भण नर सैयो तेनु दर्शन करता कुल एको तेर तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई